ये और कैबल, ये केबल है, ICW बोलते हैं इसको, ठीक है। ये करीब 4 से 5 टन है। अभी ये गनी बैग के अंदर पड़ी हुई है, ये पूरी आप देख रहे हैं 5 टन के आसपास करीब। ये हमारी मोटर है जो करीब 100 टन के आसपास है, जिसमें MS कास्ट आयरन कॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये करीब 110 टन के आसपास है। इसके बाद में ये जो लोट है, ये हाई रेंज मोटर है, ठीक है। ये करीब 150 टन के आसपास है। इसमें 12 से 15% कॉपर, 12 से 15% एल्यूमिनियम, बाकी कास्ट आयरन और MS, ठीक है। सब टोटल जापानी है हमारा, कोई उसमें लोकल माल नहीं है, सब पक्के में है, कच्चे का कोई काम नहीं है। और आपको एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ, जो ICW वायर है ये एकदम, इसमें देखिए कॉपर है, ये मिक है। अलग से दो तरह की हम लोग चटाई कर, दो तरह के रेट होते हैं इसमें, जब आप आओगे तो आपको बता देंगे। ये जो है, बाकी हमारा जो है इधर में कॉपर है, ब्रंट कॉपर जला हुआ, जो 100% प्योरिटी बोलते हैं इसको। ऐसा माल करीब 5.5-6 टन करीब हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। अरे राम राम जी, ठीक है। ये सारे बक उसमें कनी बैग के अंदर है बुक, और जब आप लेते हैं तो आपको डाउट नहीं हो तो हर बैग आप लोडिंग के वक्त में खाली करा लो गाड़ी में, जिससे आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है जी। और ये इधर ये आर्मेचर है, ये करीब 1.5 टन के आसपास है, ठीक है। इसके बाद आपका एल्यूमिनियम में ये है, राउटर है, ये राउटर है, ये हल्का माल है, हर तरह के माल है। एवरेजेस में बता रहा हूँ, सारा माल हमारा करीब